गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक एंड इट इज अ रिलेटिवली न्यू चैप्टर इन द सिलेबस. रिलेटिवली न्यू मीन्स आई गेस इट वॉज ओनली इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर इन द सिलेबस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो बिकॉज दिस जी एस टी वेरी रिसेंटली, दो तीन साल पहले ही दिस जी एस टी केम इन टू फोर्स इन अवर कंट्री. ओके, पहले जीएसटी नहीं था. फर्स्ट वी यूज टू हैव वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. ओके, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. देखो, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. ओके, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपकी इनकम पे होता है सीधा. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अर्निंग 1000 रुपीज, तो गवर्नमेंट विल से दैट 20% टैक्स पे करो. तो 1000 का 20% 200 रुपीज यू विल पे एज द टैक्स. खत्म. ये है डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम आपकी दिख रही है उस पे टैक्स. ओके, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है? आप पे तो कर रहे हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, आपके इनकम में से नहीं जा रहा है, बट वो टैक्स आपके चीजों पे है. ओके, जैसे आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, आप एक ब्रेड का पैकेट खरीद रहे हो, या यू आर बाइंग बटर, और यू आर बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम अ स्टोर वेर यू आर गेटिंग बिल, और यू आर बाइंग शूज और क्लोथ्स और एनीथिंग. इफ यू बाय एनीथिंग, देयर इज अ टैक्स इन्वॉल्वड इन दैट. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक शर्ट मैन्युफैक्चर हुई 100 रुपीज की, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर ने उसे सेल किया रिटेलर को, ठीक है, तो रिटेलर ने खरीदा समझो 120 रुपीज में, तो थोड़ा सा उसमें टैक्स ऐड हो जाता है. ओके, देन रिटेलर ने उसे सेल किया शॉपकीपर को, तो देन मे बी वो शर्ट हो गई 150 रुपीज की, एंड देन आगे जाके वो हो जाएगी 180 रुपीज की. तो ऐसे करके बहुत सारे लोग, एक ही जो मैन्युफैक्चर होता है वहां से उसे लास्ट तक आने में टाइम लगता है, ठीक है, तो ऐसे वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है और उस शर्ट की प्राइस फाइनली होगी 180 रुपीज. ओके, तो यू आर पेइंग 180 रुपीज एज द प्राइस. ओके, तो इसमें जितनी जितनी वैल्यू एड हुई है ना, उतना टैक्स का कंपोनेंट भी बढ़ते जाता है, और फाइनली आप जो है कस्टमर वो 180 रुपीज पे टैक्स पे करेगा. ओके, आपके हाथ में आपको क्या दिख रहा है? एमआरपी 180 रुपीज. ओके, यू विल सी द एमआरपी 180 रुपीज, तो आपको 180 के हिसाब से बिल बनेगा. एंड जीएसटी में कैसा होता है, जो रेट होती है जीएसटी की, रेट, ओके, रेट ऑफ जीएसटी मतलब कितना परसेंट आपको जीएसटी पे करना है. देर आर 4 स्लैब्स ऑफ जीएसटी. ओके, 4 स्लैब्स मतलब 4 वैल्यूज है, उन्हीं 4 वैल्यू में से कोई एक आपको पे करनी है, ठीक है, उन्हीं 4 वैल्यू में से. मतलब देर इज 5%, 12%, 18% एंड 28%. ओके, सो जो एसेंशियल चीजें होती है, थिंग्स विच वी आर यूजिंग, पुअर पीपल आर यूजिंग एंड ऑल ऑफ अस आर यूजिंग फॉर डेली कंजम्पशन, जैसे कि मिल्क हो गया. ओके, या बहुत ही बेसिक चीज है, जैसे कि समझो वीट हो गया जो सब लोग खा रहे हैं, बटर हो गया, जो भी सॉल्ट हो गया, तो ये सारी चीजें ऐसी है जो सब लोग परचेज कर रहे हैं. इट इज एसेंशियल आइटम, ठीक है, मतलब लोगों के सर्वाइवल के लिए वो चाहिए, तो उनपे टैक्स कम लगाती है गवर्नमेंट. ओके, तो उनपे आपको सिर्फ 5% टैक्स पे करना है. ओके, मेडिसिन ऑल्सो मे बी, सो उनपे आपको 5% टैक्स होता है. देन बाद में बाकी प्रोडक्ट्स के जरूरत के हिसाब से उनको टैक्स पे, ठीक है, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत लग्जरी, उनको 28% जीएसटी, कि मतलब जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है बट आप एज ए लग्जरी आप उसे खरीद रहे हो, ठीक है, कोई बहुत ही लग्जरी कार होगी, ठीक है, तो उस पर 28% आपको जीएसटी पे करना सकता है. कोई एक बहुत ही पुरानी ओल्ड वाइन की बॉटल होगी या अल्कोहल होगा, तो उस पर जिसका कंजम्पशन गवर्नमेंट चाहती है कि कम हो. ओके, जैसे कि अल्कोहल को, अगर उसके अल्कोहल के कंजम्पशन को गवर्नमेंट को कम करना है. ओके, सो एज ए डेटरेंट यानी कि समथिंग विच स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो उसके लिए गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स स्लैब में उसे रखेगी. जैसे अगर सिगरेट्स है, तो गवर्नमेंट बेचना तो अलाउड रख रही है, ओके, बट दे विल पुट अ टैक्स ऑफ 28% ऑन इट, सो दैट उसकी प्राइस बढ़ जाए, और प्राइस बढ़ जाए जिससे ज्यादा लोग उसे खरीद ना पाए, ठीक है, पैसे उस पर वेस्ट ना करें. ओके, और इनफैक्ट 28% से ज्यादा और भी सारे अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं. ओके, बट ब्रॉडली हमें जीएसटी में ये 4 टैक्स आपको दिखेंगे, ये 4 रेट्स आपको दिखेंगे. कभी कोई सब में 12% होगा, कोई सब में 18% होगा, किसी में 28% होगा. ओके, इट विल वेरी फ्रॉम सम टू सम, ठीक है, यही 4 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है. नाउ
Now the yes, इन रियल यस वी आर, कि जो मैंने चार रेट्स आपको बताए हैं, इन रियलिटी ऑल्सो दीज आर ओनली द फोर रेट्स. ठीक है, आप कभी ऑब्जर्व करना, आप जब भी कभी कोई चीज खरीदने जाओ, ठीक है, यू आर शॉपिंग फ्रॉम अ मॉल वेर यू गेट अ बिल, जहां से बिल मिलेगा ना उस जगह पे, जैसे कि रेस्टोरेंट पे खाने जा रहे हो या कहीं पे मॉल में कुछ खरीदने जा रहे हो या कहीं पे किसी स्टोर में से क्लोथ्स खरीद रहे हो, तो उसके बिल में देखना कि कितना परसेंट जीएसटी आप पे अप्लाई हुआ है. ठीक है, उस पे ध्यान रखना. तो यू विल ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ दीज फोर रेट्स, आउट ऑफ दीज फोर रेट्स एनी वन विल बी अप्लाइड ऑन योर परचेज. ठीक है, नाउ इन जीएसटी देर आर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी. ओके, इंटर स्टेट जीएसटी एंड इंट्रा स्टेट जीएसटी. ठीक है, इंटर स्टेट जीएसटी एंड इंट्रा स्टेट जीएसटी. ओके, इंटर स्टेट क्या होता है? इंटर स्टेट मतलब समझो, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, महाराष्ट्र से दिल्ली. सो महाराष्ट्र से दिल्ली, अगर कोई मटेरियल महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या समझो दिल्ली से इट इज गोइंग टू यूपी, एक और स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी इंटर स्टेट. ओके, इंटर स्टेट. ओके, इस केस में इंटर स्टेट में जो जीएसटी अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं आईजीएसटी. इट इज कॉल्ड एज आईजीएसटी. आई का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेटेड. आई का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेटेड. आई मीन्स इंटीग्रेटेड. ओके, नाउ इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? एक स्टेट है, समझो हमारा स्टेट है महाराष्ट्र. ओके, एंड यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं मुंबई से पुणे. ओके, मतलब ये विद इन अ स्टेट है, एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ. मुंबई में कुछ बनाया, पुणे में बेच दिया, पुणे में कुछ बनाया, मुंबई में बेच दिया, या मुंबई में बनाया नागपुर में बेच दिया, या नासिक में बेच दिया, कोई भी मुंबई के महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर कोई भी एक सिटी होगी, वहां पे उन्होंने सेल कर दिया उसे. ठीक है, सो ये विद इन अ स्टेट है, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी. ओके, अब इस केस में क्या होता है? इस केस में जीएसटी डिवाइड हो जाती है. देयर आर टू जीएसटी, से एस जीएसटी और सी जीएसटी. ओके, मतलब क्या हो रहा है कि जब यहां से अगर महाराष्ट्र से मुंबई, महाराष्ट्र से मुंबई अगर कोई गुड्स ट्रेवल हुआ, समझो 100 रुपए का गुड्स महाराष्ट्र से दिल्ली गया, तो उसपे 12% का जीएसटी लगा. ओके, दैट इज 12 रुपीज. वो 12 रुपीज पूरा का पूरा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास. कौन से गवर्नमेंट के पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. दो स्टेट के बीच में हुआ है ना, तो इधर से इधर गया, तो जो भी टैक्स आएगा वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. ठीक है, लेकिन जब एक स्टेट के अंदर हुआ है, विद इन अ स्टेट हुआ है, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, ओके, विद इन अ स्टेट, तो इसमें क्या होगा? समझो अगर 100 रुपए की चीज है, 12% उस पर जीएसटी है. ओके, 12% का जीएसटी था, तो इसमें क्या होगा? उस 12% में से हाफ जीएसटी स्टेट को जाएगा और हाफ जीएसटी सेंटर के पास जाएगा. समझ में आ रहा है? जब ट्रांजैक्शन एक स्टेट के अंदर ही हुआ है, एक स्टेट के अंदर, ठीक है, तो स्टेट का भी उसमें शेयर हो जाता है, तो स्टेट को आधा जीएसटी, आधा टैक्स स्टेट को मिलता है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है. समझ में आ रहा है? एस जी एस टी सी जी एस टी क्या है? जब इंटर स्टेट होता है तो एस जी एस टी एंड सी जी एस टी कम्स इनटू पिक्चर, और इनका रेट हमेशा ये हाफ हाफ ही होता है. अगर 5% होगा तो 2.5 2.5, 12 हुआ तो 6% 6%, 18 हुआ तो 9 9, 28 हुआ तो 14 14. ठीक है, हाफ हाफ में डिवाइड होता है क्लियरली. ओके, तो कभी कोई ऐसे सिटी का नाम आता है जिसका नाम कभी सुना ही नहीं है? नहीं, वो आपको एकदम पहली बात तो, हाँ, ऐसे ऐसे सिटीज जरूर आएंगे, बट एकदम पॉपुलर सिटीज आते हैं और वो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन ही कर देते हैं कि ये कौन सा टाइप का है. अच्छा, ओके, मैं बोल रही हूँ इंटर स्टेट के इंटर स्टेट है. हाँ, आपको बता देंगे सीजीएसटी है कि वो क्या है. ठीक है, अच्छा, थैंक यू. इनफैक्ट नाउ कुछ स्कूल्स कह रहे हैं कि
इंटरस्टेट जीएसटी, ये जो है इंटरस्टेट जीएसटी, ये ओमिट है बट इट इज नॉट नोन. तो लेट्स सी. सर अभी आपने बोला कि अगर 12% होगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी में हाफ हो जाता है यानी कि 6%, तो अगर 5% होगा तो 2.5 लेना पड़ेगा. हाँ हाँ यस 2.5. ओके अब ये जैसे कि फ्रैंक में देयर इज नो सम बेस्ड ऑन दिस आईजीएसटी, ऐसा कोई सम ही नहीं है फ्रैंक में बिकॉज ये आईजीएसटी को क्या है, कभी कभी इस आईजीएसटी को सिर्फ जीएसटी बोलते हैं, ये आई को वो इग्नोर कर लेते हैं आईजीएसटी. ओके सिर्फ जीएसटी बोला है मतलब वो इंटर स्टेट है, ठीक है, और बाकी टाइम दे विल स्पेसिफाई स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सिर्फ जीएसटी बोला है तो इट इज कंसिडर्ड एज आईजीएसटी. तो हाँ अभी एक और जिनने किसी ने मुझे डाउट पूछा कि देखो दो गवर्नमेंट्स होती है, आप लोग ने सिविक्स में पढ़ा है कि देर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देर इज अ स्टेट गवर्नमेंट. ओके बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है. अब जब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, समझो 12 रुपीज टैक्स कलेक्ट हुआ तो स्टेट को 6 रुपीज मिल गया और 6 रुपीज सेंटर के पास गया. ओके आधा आधा हो गया था. अगर इंटर स्टेट होता है दो स्टेट्स के बीच में तो पूरा का पूरा 12 रुपीज सेंटर के पास गया. ओके अब जो ये सेंटर के पास पैसे जाते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटर के ही पैसे है, वो क्या होता है कि ये पैसे में से कुछ पैसे सेंटर अपने काम के लिए यूज करता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है. ओके जो सब्जेक्ट सिर्फ उनके पास होते हैं और बाकी जो पैसे कलेक्ट होकर जो बच जाते हैं वो वापस स्टेट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ओके बिकॉज वो आखिर स्टेट्स का ही पैसा है, ठीक है, स्टेट्स के पास ही जाएगा बिकॉज स्टेट्स ही सारा काम कर रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव जगह पे. ओके तो ये एक कॉन्सेप्ट है खाली, ये आउट ऑफ टॉपिक है. ठीक है तो आपको बेसिकली इसमें क्या क्या याद रखना था, यू हैव टू रिमेम्बर दैट कैंसिलेशन क्या है क्या नहीं है वो सब मैं बताऊंगा आपको, समझ करते वक्त सब समझ में आ जाएगा. वैसे तो मैं कुछ भी कैंसिल कंसीडर नहीं करने वाला हूँ, विल डू मोस्टली ऑल द सम्स क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ कैंसिल नहीं था. तो बस आपको ये समझना था कि अगर दो स्टेट्स के बीच में होता है तो इट इज इंटर स्टेट, और एक स्टेट के ही अंदर होता है तो इट इज इंट्रा स्टेट. ओके और वहां पे जीएसटी डिवाइड हो जाता है हाफ ऑफ. ओके चल ये हो गया. Now let's understand about discount. Discount तो आप सबको ही पता है कि discount होता क्या है. Okay, सबको पता है discount होता क्या है, सबको चाहिए discount. So the thing is, समझो there is a shoes worth ₹2,000. Okay, and there is a sale and they are saying that they will give you 20% discount on these shoes. Okay. So what will happen? आपका बिल कैसे बनेगा? आपका बिल ऐसे बनेगा कि first this price, okay, this is the price. You can call this as sale price or you can call this as mark price. ठीक है? इस price पे discount apply होगा. 2000 पे आपको पहले discount मिलेगा. ठीक है? तो 2000 का 20% क्या होगा? 2000 का 20% is ₹400. Okay. तो इसका ₹400 इसमें से माइनस हो जाएंगे. ठीक है तो प्राइस विल बी 1600. अब इस 1600 ये आपके लिए प्राइस हो गई शूज की. ठीक है अब इस 1600 के हिसाब से आपका बिल बनेगा. ओके सो शूज की प्राइस है 1600. ठीक है लेट्स से जीएसटी इज 18% शूज के ऊपर, तो आपको 1600 प्लस 18% ऑफ 1600 करेक्ट. जीएसटी किस पे करोगे आप, जो आपकी प्राइस है. जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, ये जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, 18% ऑफ 1600 करेक्ट. इसको मैं कैंसिलेशन कर लूं तो 288. ओके तो ₹288 का जीएसटी आ गया ये वाले सम में, 18% जीएसटी है ना. एक बार वापस करता हूँ यहाँ पे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से. सो जीएसटी की वैल्यू क्या हुई, 18% ऑफ 1600 That is ₹288. This is the GST. So, जब आप बिल पे करोगे तो हाउ मच अमाउंट विल यू पे, आपको 1600 तो पे करना ही है
शूज की प्राइस प्लस आपको 288 रुपीज टैक्स भी पे करना है, ठीक है, तो आपके लिए प्राइस बन गई 1888, समझ गए, आपके लिए प्राइस क्या बन गई 1888, ओके। जनरली लेकिन क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करोगे तो ऐसा नहीं होता, आपने नोटिस किया होगा, किसी के दिमाग में आया होगा, तो क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऐसा होता नहीं है कि आपने अगर प्राइस देखी 1600 है, जब आप बिल करने जाओगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं पता है, टैक्स को ऐड करके ही पूरी प्राइस आपको डिस्प्ले करते हैं, ओके, टैक्स वगैरह ऐड करके ही, समझो आप डायरेक्ट आपके शूज की प्राइस यही आपको डिस्प्ले करेंगे अमेजोन में, ठीक है, तो आपने देखा कि हाँ ये प्राइस है, ठीक है मैं ले लेता हूँ, तो उसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड ही है, ठीक है, आपको वो बिना टैक्स वाला प्राइस बताते ही नहीं है, ओके, जनरली नॉट नेसेसरी, लेकिन इन स्टोर्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी स्टोर में जाओगे, ओके, लेट्स से यू गो इन एडिडास एंड यू ट्राई टू बाय अ शूज, तो वहां पे वैसा इंक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस नहीं डिस्प्ले करते, ऑनलाइन शॉपिंग में मोस्टली करते वो, ठीक है, तो ये एक चीज याद रखते, ओके, तो भी आप समझ गए जीएसटी क्या है, तो दैट्स इट, वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, सिंपल ही है ये, इतना कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल्सो इजी। Let's come to the exercise 1A. Okay. There is a doubt here कि कोई और कंट्री से अगर गुड्स आया तो कौन सा टैक्स अप्लाई होगा? कोई और कंट्री से गुड्स आता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, इम्पोर्ट ड्यूटी, और ये इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी होती है ये पूरा गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, कितनी भी इम्पोर्ट ड्यूटी हो सकती है, 100% भी हो सकती है इम्पोर्ट ड्यूटी, 200% भी हो सकती है, 300% भी हो सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। सर वो आपने बोला था ना शूज का एग्जांपल, उसमें 2000 मार्क प्राइस है कि 1600 मार्क प्राइस है? 2000 ना, yes. तो मैक्स रिटेल प्राइस और मार्क प्राइस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है ना? हाँ ज्यादा कुछ फर्क नहीं, सेम ही है दोनों, वो और एमआरपी सेम ही होता है ना बच्चों के लिए? अभी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पे क्वेश्चंस मत पूछो, मैं बेसिक बता दिया खाली मैंने आपको, यस इंपोर्ट ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है और किसी पे नहीं जाता है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी अलग अलग होती है, कौन से भी गुड्स पे कितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1A, ठीक है, जो फर्स्ट सम है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, खाली ऐसे आप उसे चाहिए तो टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो स्टेप्स एंड ऑल नीडेड, खाली एकदम बेसिक सा सम दिया है that 12,000 is the MRP, okay, 30% discount will be, 30% discount hai and GST rate is 18%, okay, so unhone pucha hai discount kitna hai, 30% matlab kitna discount hai, okay, so 30% matlab 12,000 ka 30%, 12,000 ka 30% will give you the discount, okay, so ye zero zeros cancel karte hai, I will get 3600, kitna discount mila, 3600. Yes, sir. While doing the plank exercise, we are told a shortcut that if there's a discount of 30%, then we can take the 70% as the discount. And वो discounted value के लिए है. Discounted value मतलब discount होने के बाद क्या value होती है उसके लिए. यहाँ पे डिस्काउंट पूछा है कितना मिला है, तो आपको नॉर्मली करना है, वो मैं बताऊंगा जब टाइम आएगा तभी, ठीक है, ओके, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इन अ बुक इट इज 15,000 एंड जीएसटी इज 12%। ओ ओके, इस तो सेकंड तो शायद मिले, आई हैव द पिक्स ऑफ द न्यू बुक आल्सो, no, it's 12,000 and 30% only. So you're doing the first sum. So, first sum. Okay, so I was taking 1B. सब confused हो गए बेचारे. Okay, हाँ, let's continue. तो
डिस्काउंट मिल गया, हमें डिस्काउंट मिल गया 3600, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, डिस्काउंट इज 3600, ओके फर्स्ट. देन दे आर आस्किंग जीएसटी नहीं, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड वैल्यू. डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब डिस्काउंट होने के बाद क्या वैल्यू है, डिस्काउंट होने के बाद. तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, ये टर्म याद रखना, डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब डिस्काउंट मिलने के बाद वो चीज कितने की हो गई, 8400, करेक्ट. 12,000 की चीज थी, 3600 का डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिलने के बाद इट बिकेम 8400, सही है, ठीक है. डिस्काउंट पे उन्होंने सेलिंग प्राइस भी नाम दिया क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही वो बेचने वाले हैं उसको, ओके. देन पूछ रहे हैं आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके, सीजीएसटी और एसजीएसटी. सो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, हाफ हाफ होता है, ओके. हमारा यहाँ पे रेट कितना है, हमारा रेट कितना, 18% है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, 9%, 9%, करेक्ट. तो 9% 9% निकाल दो, सो 9% ऑफ ये डिस्काउंटेड वैल्यू, इस वैल्यू पे टैक्स भरोगे ना आप, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है उसी पे आप टैक्स भरोगे, तो 9% ऑफ 8400, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है क्योंकि वैल्यू सेम है, ठीक है. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, पूरा काउंट होता है, सो पूरा 18%, ठीक है, तो कितना होगा 18%, ठीक है, हो गया सम. नहीं, अमाउंट भी पूछा, अमाउंट ऑफ द बिल, अमाउंट कितना होगा, मतलब ये जो 8400 प्राइस थी प्लस टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है आपको. सी, आप ये तीनों टैक्स एक साथ पे नहीं होने वाला ना, ये और ये तीनों एक साथ नहीं होगा पे, या तो ये वाला टैक्स है या तो ये वाला टैक्स है, ठीक है. वैल्यू दोनों की सेम ही है, टोटल जो प्राइस, चाहे ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, प्राइस तो उतनी रहेगी, बस जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और किसको जाएगा टैक्स, सेंटर को या स्टेट को या दोनों को, ठीक है, वो चेंज होता है, बट आपका प्राइस तो उतना ही रहता है, ओके. तो इन बोथ द केसेस आप दो बार इसको ऐड करो या एक ही बार इसको ऐड करो, इट मीन्स द सेम, ठीक है. यहाँ पे 8400 प्लस 1512, तो क्या आंसर आएगा मुझे, 9912. This will be the amount which I will pay. Okay. So, यहाँ पे दोनों कैसे, उन लोगों ने पूछा? या तो एक चीज़ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट. Yes, perfect. मैंने क्या बोला? इसीलिए प्रैक्टिस के लिए सम दिया मैंने. ऐसे ही सब कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट करना सिखाया. अच्छा. Done, all of you. So we can start with the first the question number. Question number 2, you do it for homework. बहुत ही सिंपल है, सेम सा क्वेश्चन है. We'll do question number 3. सर, वो सेकंड जो सम है ना, उसमें डिस्काउंट अप्लाई करते हैं ना, उसका जीएसटी अप्लाई करते हैं तो ज्यादा अमाउंट आते हैं ओरिजिनल अमाउंट से भी. हाँ, तो आ सकता है ना, क्योंकि जीएसटी की रेट ज्यादा है, डिस्काउंट कम है और जीएसटी की रेट ज्यादा है, तो ज्यादा ही आएगा ना. अच्छा, डिस्काउंट 20% का ही मिल रहा है, बट बाद में जाके प्राइस बढ़ रही है 28% टैक्स की वजह से, तो यस, डिफरेंस तो आएगा. सोचो, बिना डिस्काउंट के अगर प्राइस लगाई होती तो कितनी ज्यादा आती, इसलिए डिस्काउंट जरूरी है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. द
Now here you have to solve it in the form of a table. Tabular form में आपको solve करना है इसे, ठीक है? So what is given? A computer mechanic in Delhi charges repairing cost from 5 different persons A, B, C, D, E with certain discounts. Okay. So name of the person. Repairing cost. Discount. ठीक है. थोड़ा नजदीक नजदीक लिखना. Okay. It should fit. और तीन columns बनेंगे आगे. So name of a person A. ठीक है. रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है उसका ए का 5,500 एंड ही गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 30%. ठीक है, तो यहां पे मैं नेक्स्ट कॉलम बनाता हूं डिस्काउंटेड वैल्यू. कि डिस्काउंट मिलने के बाद क्या प्राइस होती है. ओके, यस यू हैव टू डू इट इन टेबुलर फॉर्म. ये कंपलसरी, टेबल वाले सबको टेबल फॉर्म में करना है. Discounted value. Okay, ऐसे पूरा टेबल बना के सारे वैल्यूज लिखने हैं इसमें, सिर्फ एक नहीं और भी वैल्यूज लिखना है यहाँ पे. सबके वैल्यूज लिखो. एंड सबके डिस्काउंट की वैल्यूज कितना डिस्काउंट मिल रहा है. रीट वी आर डूइंग इट फ्रॉम कंसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज. कब लिख दो ये पहले. टेबल के सम्स को टेबल फॉर्म में ही सॉल्व करना है. ओके, ठीक है. अब नाउ सी हियर, डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब डिस्काउंट मिलने के बाद क्या वैल्यू आई है. डिस्काउंट मिलने के बाद क्या वैल्यू आई है, ठीक है. अभी हमने पिछले सब में सॉल्व कैसे किया था इसको. 5500 की चीज है, ठीक है, 30% डिस्काउंट मिल गया उस पर. 30% डिस्काउंट तो 00 कट हो जाएगा. सो 55 × 3 = 165. तो आपको 1650 का डिस्काउंट मिलेगा. ओके, 1650 का डिस्काउंट मिलेगा. तो 5500 - 1650 तो कितना आएगा ये वैल्यू. ये फर्स्ट का वैल्यू क्या आ रहा है, 3850 आएगा क्या. ओके, डिस्काउंटेड वैल्यू. तो डिस्काउंटेड वैल्यू आपकी आई 3850. डिस्काउंट मिलने के बाद उसे कहते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू. डिस्काउंट मिलने के बाद मिलता है तो उसे कहते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू. ओके, अब ये डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका भी है. डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो, अगर आपको 30% डिस्काउंट देना है, ठीक है, अगर एक 100% चीज की वैल्यू है उसमें से आपने 30% डिस्काउंट कर दिया तो बचा कितना. बचा 30% डिस्काउंट कर दिया मतलब 70% बचा. ठीक है, किसी भी चीज में से अगर आपने 30% निकाल दिया तो 70% बच गया. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट 5500 का 70%. सीधा 70% कैलकुलेट करो. ठीक है, तो 00 कैंसिल करो,
55 इंटू 7 करोगे तो आपको आएगा 385 और ये जीरो, तो आपको डायरेक्टली ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी हाथ में. समझ रहे हैं मैंने क्या किया? जस्ट टू सेव योर टाइम. ओके, टू सेव योर टाइम आई टेल यू व्हाई दिस जीएसटी एंड एसजीएसटी केम. टेंशन मत लो, पहले सीख लो मैं जो सिखा रहा हूं उसको, ठीक है? घाई मत करो. तो ये समझ में आया मैंने क्या किया? देखो 30% डिस्काउंट है, करेक्ट है? 30% डिस्काउंट फाइंड करो और फिर उसे माइनस करो. ये दो स्टेप करने से अच्छा है कि 100% में से 30% गया तो बचा कितना? 70%. तो डायरेक्टली 5500 का 70% फाइंड कर लिया और आंसर मिल गया 3850. एंड यू कैन डू दैट, ये टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ है, ठीक है? यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, अब ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये आप यहाँ पे टेबल में फिट नहीं कर पाओगे, आपको वैल्यू लिखनी है टेबल में. तो कैलकुलेशंस को है ना टेबल के ही राइट साइड में कहीं पे तो करो, नीचे सम के आसपास ही, ठीक है? सो नाउ इन द सेम वे आप बाकी डिस्काउंटेड वैल्यूज भी फाइंड करो. सो 6250, 40% डिस्काउंट मिला है. 40% डिस्काउंट मिला है मतलब मैं 60% फाइंड करूंगा, ठीक है? तो 60% फाइंड करके मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रही है. सारे डिस्काउंटेड वैल्यू में लिखूंगा, उसके बाद में बताऊंगा मैंने सी जी एस टी एस जी एस टी क्यों लिखा है. सो दिस इज 3750. ओके, आई एम बिलीविंग ऑन योर आंसर्स. नेक्स्ट आंसर, सारे आंसर बताओ मुझे सी डी ई फटाफट. डी डी का आंसर क्या है? सबने वैल्यूज तो भेज दिए बट 5760 है क्या डी का आंसर? 5760, ओके ठीक है. ओके, तो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है. अब सी जी एस टी एस जी एस टी कब होता है? व्हेन देयर इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. इंट्रा स्टेट बरोबर, मतलब एक ही स्टेट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, रीड द क्वेश्चन. क्या हो रहा है? अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम फाइव डिफरेंट पर्संस ए बी सी डी ई विद डिफरेंट रिपेयर, ठीक है? मतलब एक मैकेनिक है, मैकेनिक ही है ना, हाँ, एक कंप्यूटर मैकेनिक है और वो कोई चीज ठीक कर रहा है और उसके चार्जेस ले रहा है. ओके, तो इसमें दो स्टेट तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है, इसमें दिल्ली के अंदर ही काम चल रहा है. अगर दिल्ली के बाहर काम चल रहा होता, कोई बाहर से आया होता है कुछ किया होता, तो उन्होंने दूसरा स्टेट का, दूसरे सिटी का नाम भी लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है? बट देयर इज नो अदर स्टेट मेंशनड इन द क्वेश्चन. मतलब ये एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, और ये अगर एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है तो मीन्स इट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट. ओके, तो और इंट्रा स्टेट के लिए मैंने क्या बताया था? इंट्रा स्टेट में टैक्स स्प्लिट होता है. जब एक ही स्टेट के अंदर होता है तो टैक्स स्प्लिट हो जाता है, ठीक है? जब दो स्टेट्स के बीच में होता है तो सिर्फ सेंटर को जाता है जीएसटी, बट जब एक ही स्टेट के अंदर होता है तो टैक्स स्प्लिट होता है सीजीएसटी. इसलिए मैंने यहाँ पे सीजीएसटी भी लिखा और एसजीएसटी भी लिखा, बिकॉज मुझे दोनों फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. गेटिंग माई पॉइंट? क्यों लिखा मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है? दो ही ऑप्शन है, देखो, या तो इंटर स्टेट होगा या तो इंट्रा स्टेट होगा, बस दो ही ऑप्शन है. चलो, तो नाउ जीएसटी का रेट क्या दिया है? इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो ये होगा 9% और ये होगा 9%, ठीक है? तो अब ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू है उसका 9% फाइंड करो. डिस्काउंटेड वैल्यू का 9%,
सर मुझे अभी भी नहीं समझा सर सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लिया? क्यों लिया आपने? सबसे पहली बात तो लेट ज्वाइन किया, क्यों? नहीं सर नहीं, मैं ध्यान रख रहा हूँ कौन कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सर 615 से बैठा हूँ। 615 से बैठे हो और ध्यान कब से दे रहे हो? कब से सर? अच्छा तो बताओ मुझे, स्टार्टिंग में मैंने इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का क्या डिफरेंस बताया था? लिखा सर जब आपने लिखा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का क्या डिफरेंस बताया? सर इंटर स्टेट मतलब जब ये अगर स्टेट के अंदर ही होगा ना तो तभी जो टैक्स होगा वो दोनों को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा इसकी बात कर रहे हो आप? ओके सर एक बार देखो आपने क्या लिखा है, कहीं आपने स्पेलिंग में रॉन्ग तो नहीं कर दिया? हाँ सर वो ही क्लियर। हाँ ये इंट्रा स्टेट में इसका मतलब होता है विद इन स्टेट, ठीक है, और इसका मतलब है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा जो इस सम में हुआ है। ओके सर चलो अदर्स ऑल ऑफ यू कैलकुलेट दीज वैल्यूज एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। सर मुझे आंसर डेसिमल में आ रहा है सर, मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो वो करेक्ट तो करेक्ट है ना सर वो? यस ओके सर थैंक यू। डोंट राइट लाइक दिस सेम, ये मैंने लिखा है आपको वापस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये कर लिया कैलकुलेट सबने 9% वैल्यू। अब इसका टोटल करो, टोटल लिखो यहाँ पे सारे सीजीएसटी के वैल्यू का टोटल करके लिखो। 0.0.50 आया ना हमारे, हाँ जीरो लिख दो, यस बिकॉज रुपीज है वैल्यू है तो जीरो लिखना चाहिए। टेल मी द टोटल ईयर व्हाट यू गेट और खुद से कैलकुलेशन करो, डोंट यूज कैलकुलेटर, घर बैठे बस कैलकुलेटर स्टार्ट कर दोगे स्प्लिट स्क्रीन करके, मत करो बिकॉज जीएसटी में कैलकुलेशन में ही सबकी गलती होती है, जितना हो सके उतना कैलकुलेशन खुद से करो। Tell me the total of this. No, Isha, I think your value is wrong. I'm asking you the total of CGST. दिया जस्ट एक डेसिमल प्लेस मुझे गलत लग रहा है, 1693.8 आएगा। ये आंसर आना चाहिए।
दक्ष अब क्या पूछ रहे हो मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, हो गया हो गया। अभी अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, अब अमाउंट कितना पे करोगे। अच्छा ऐड दीज वैल्यूज आल्सो, इसको भी ऐड करो, ये ऐड दीज वैल्यूज आल्सो कि टोटल प्राइस कितना हो गया सब चीज का विदाउट जीएसटी, कितना प्राइस हुआ सबका। सो ऐड दीज वैल्यूज आल्सो, सी इनसाइड द टेबल ना, इनसाइड द टेबल व्हाइल सॉल्विंग अगर आपने रुपीज साइन नहीं लिखा तो इट इज ओके, ठीक है, बट लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे ना तो यू शुड राइट रुपीज साइन। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बिल, द अमाउंट ऑफ बिल विल बी 18820 प्लस जो सी जी एस टी की वैल्यू है प्लस जो एस जी एस टी की वैल्यू है, एड दीज थ्री वैल्यूज, दैट इज योर टोटल आंसर, जितना पैसा आपको देना है। करेक्ट नेत्रा, अक्ष करेक्ट, ईशा करेक्ट, यस रयान सर। इन द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इफ वी विल राइट 1693.80 इट विल बी राइट। यस यस ओके। तो वहां पे हम लोग जीएसटी क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज़ वो मैकेनिक को तो नहीं मिलेगा ना। नहीं नहीं, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, मैकेनिक का प्राइस नहीं, अमाउंट ऑफ बिल, बिल कितना पे करने वाले लोग। नहीं तो पर वहां पे हम लोग को ये फाइंड करना है, फाइंड द टोटल मनी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। हां तो देखो आप जब पैसे दोगे ठीक है, तो गवर्नमेंट थोड़ी बाजू में बैठा है वहां पे मैकेनिक के पास कि चलो जीएसटी मुझे दो। अच्छा वैसे आप जीएसटी और पैसा दोनों मैकेनिक को ही दोगे ठीक है, फिर मैकेनिक एवरी मंथ, मतलब इट इज ये प्रोसेस है कि एवरी मंथ मैकेनिक रिटर्न्स फाइल करता है। पता है सीए होते हैं हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो करते क्या है, वो रिटर्न्स फाइल करते हैं छोटे बिजनेस के, पर्सन के, एंटिटी के या कंपनी के। तो वो क्या करते हैं एवरी मंथ जितने भी बिल्स है ना वो सब वहां पे दिखाने पड़ते हैं कि देखो मैंने इतना इतना बिल बनाया, इसमें से इतना इतना पैसा मेरा है, इतना इतना जीएसटी है, तो वो सब वो भरता है गवर्नमेंट को। पैसा इनिशियली उसके पास ही आएगा, फिर उसमें से जो जीएसटी है वो जब वो रिटर्न्स फाइल करेगा तब वो गवर्नमेंट को भेजेगा। ओके सो द टोटल आंसर इज 22207.6, दिस शुड बी द आंसर। ओके Then all of you, we can go to the next question. In fact, next question है ना same है, तो question number 4 you do it for homework. एकदम same है. Intrastate, देखो transaction में वहाँ पे question में लिख दिया intrastate, उसको underline कर दो intrastate. क्वेश्चन नंबर 4 में वहीं पे लिख दो। जहां पे उन्होंने लिखा है ना इंट्रास्टेट, क्वेश्चन नंबर 4 में उसको अंडरलाइन करो और ऊपर लिख दो सीजीएसटी और एसजीएसटी ठीक है। और सेम तरीके से टेबल बनाना, मार्क प्राइस दिया, अच्छा क्वांटिटी भी दिया ठीक है, आप वो समझ जाओगे क्या करना है। अभी मत सॉल्व करो, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं ठीक है, वो सेम है तो यू कैन डू इट लेटर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, बोला इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ओके तो इंटर स्टेट बोला है मतलब आपको सीजीएसटी एसजीएसटी करने की जरूरत नहीं है ठीक है, आपको एक ही जीएसटी करना है, दैट इज आई जीएसटी डायरेक्टली।
इंटरस्टेट बोला है ना, अभी क्वांटिटी दिया है इसमें. नाउ दिस क्वांटिटी, एक नया चीज आ गया यहाँ पे, क्वांटिटी. ठीक है, देन एमआरपी भी दिया है. ओके, क्वांटिटी है, एमआरपी है, तो यहाँ पे हम एक नया डाल देते हैं, टोटल. टोटल एमआरपी एक न्यू डाल दिया. देन डिस्काउंट भी है. ओके, तो फिर डिस्काउंटेड वैल्यू भी होगा. डिस्काउंटेड वैल्यू और यू कैन कॉल इट सेलिंग प्राइस. ओके, और फिर इसके बाद आएगा डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद सीधा जीएसटी, या मैं इसे कह सकता हूँ आईजीएसटी. सिर्फ जीएसटी भी लिख सकते हो या आईजीएसटी भी लिख सकते हो. ठीक है, अब क्वांटिटी कितना है, 35 चीज है. ठीक है, क्वांटिटी इज 35 एंड ईच आइटम इज ऑफ रुपीज 420. हर आइटम 420 रुपीज के 35 आइटम है, तो टोटल एमआरपी क्या होगा, 420 इंटू 35. करेक्ट, 420 इंटू 35 दैट इज हाउ मच, लग रहा है ना ये इंट्रा स्टेट होगा, क्योंकि इधर बताया ही नहीं है ना कौन से स्टेट से किधर किधर पास हो रहे हैं. नहीं बोल दिया है ना, इंटर स्टेट है. हाँ सर, बट फिर भी मेरे को लग रहा है शायद आपने बोला था ना, क्योंकि स्टेट का नाम दे गया अगर ऐसा होगा तो. नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में ही लिख दिया है ना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में लिख दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन में लिख दिया है. सर व्हाई डिड यू राइट टोटल एमआरपी, तो फिर और क्या लिखूं सर, मींस हाउ डिड यू गेट द टोटल एमआरपी एज 14700. ही हैज बॉट समथिंग ऑफ रुपीस 420, 35 आइटम्स. लेट्स से देयर इज अ सोप ऑफ रुपीस 420. ओके, उसने एक सोप नहीं लिया, उसने 35 सोप्स लिए हैं. तो जब बिल बनेगा तो 35 इनटू 420 होगा ना. Okay, it's of each item. हाँ, 420 rupees of each item. एक item का है. Thank you, sir. अब 10% discount बोला है. 10% discount. तो 10% discount है, मतलब मैंने बताया था आपको shortcut के direct 90% find कर लो. ठीक है, 10% तो discount हो गया, so 90%. So you will get the value as 13230. Yes, others also give me answers. किसी के ज्यादा answers नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हो, calculation कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Tell me the value of GST. GST कितना बोला है question में? 18% है GST. GST is 18%. Yes, Om. Sir, can we do the working in the table? जगह है तो कर लो भाई. But messy मत बनाना उसे. टैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है?
2381.4. Okay, second. Yes, second value, what is the tax? Tell me the total tax and the total discounted value ka total kya hai aur GST ka total kya hai, dono total batao. Daksh, kya total kar rahe ho aap, isko total kyu kar rahe ho, discounted value ka total karo. Correct, Pratyush. Tell me the total of this discounted values. Correct, Om. 44210. Correct, Harsh. Yeah. Phir pucha hai amount of bill. Kitna amount hai? 44210 plus 3978.9. Yes, we are. So you've written 9, it should be 8, right? 0.8, because it's 4 and 4. ये वैल्यू ही गलत लिखी है, किसने बताया मुझे? व्हाट इज द वैल्यू हियर? सो इट्स अ टोटल ऑफ ऑल टैक्स. I'm just writing your answers which you are sending me in the chat box. Sir, how yes. is it 3978.9? I cancelled it. No. Someone has given the wrong answer. Tell me what is the correct answer. You tell me what is the correct answer. Yes, sir. Sir, the correct answer is 7957.8. 7957.8. And the total value is then 52,167.8. Okay. Wow. Mohammed Harris has given me the answer. Very good. Thank you. Bar answer mila hai aapka. I'm happy to see you in the lecture. This is the answer. थोड़ा carefully करो, calculation में गड़बड़ नहीं करो. हो जाती है, I can understand. इससे ज़्यादा calculation आएगा आपको statistics में. Statistics करेंगे हम maybe next. और calculation में तकलीफ होगी, याद रखना. Okay, done all of you. So next हम करेंगे keep in mind once again intrastate है तो CGST SGST आएगा, इंटरस्टेट है तो नहीं आएगा. ठीक है, ये वाला सम क्या था? ये वाला सम था इंटरस्टेट, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आया.
okay. Next, what we will do is सी क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स उन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है, दे आर सेइंग इट इज इंट्रास्टेट, ठीक है, इंट्रास्टेट, तो आपको पता है इंट्रास्टेट है तो यू विल डू सीजीएसटी एसजीएसटी, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन है, उसमें उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर सिक्स का इंफॉर्मेशन यूज करो, ठीक है, बट इस बार उसको इंटरस्टेट के लिए सॉल्व करो, मतलब सेम ही क्वेश्चन और उसे इस बार इंटरस्टेट के लिए सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखोगे, ओके, बट क्वेश्चन नंबर सेवन में आप सिर्फ आईजीएसटी लिखोगे, आंसर भी सेम आएगा दोनों का, बस खाली यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे और यहाँ पे एक ही कॉलम बनेगा, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन में। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन, ओके, वी विल डू द क्वेश्चन नंबर एट नाउ। आईजीएसटी क्या है? एसजीएसटी और सीजीएसटी का टोटल, क्योंकि वो 6-6% है, ये 12% है, वो 9-9% है, ये 18% है, तो उसके टोटल होता है, तो आंसर तो फाइनली सेम ही आने वाला है, ओके। सो 6 एंड 7 आई वांट यू टू डू इट फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 करो अभी, 8, 6 एंड 7 विल बी होमवर्क, राइट देयर होमवर्क। एंड काफी टाइम से आपको होमवर्क मिला नहीं है, तो आई एम गोइंग टू सेंड अ होमवर्क आल्सो इन द ग्रुप नाउ। एंड क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 8, दे हैव सेड अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली। मुंबई के डीलर ने दिल्ली वाले को सप्लाई किया है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? What type of transaction is this? This is a interstate transaction. Interstate, दो state के बीच में हुआ है, दो state के बीच में हुआ है, तो इसमें क्या apply करेंगे हम? IGST या सिर्फ GST? CGST, SGST की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या दिया है? Rate per piece, rate दिया है आपको 180, 260, 310 and 175। हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं, 10, 20, 30, 30, 20, then aega discount, discount is nil 20, then aega discounted value, okay, discounted value aaya, aur then aega GST, हाँ, टोटल एमआरपी का कॉलम भी आना चाहिए ना, यस यस यस, क्योंकि रेट है और क्वांटिटी है, तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल एमआरपी मिलेगा, यस यस यस। देन डिस्काउंट, देन डिस्काउंटेड वैल्यू, डीवी लिख देता हूँ मैं उसे, एंड देन आईजीएसटी। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में एसजीएसटी लिखा है, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है एसजीएसटी 9%, 9%, 9%, ठीक है,
ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि इट इज अ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, तो आपको पता है इसमें एसजीएसटी यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये एसजीएसटी से आपको रेट पता चल जाएगी जीएसटी की, अगर एसजीएसटी 9% है तो आईजीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी होगा 18%, समझ। तो आपको 18% ही यूज करना है अपने सामने। दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, समझ, इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। समझ रहे बात, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी कॉलम है ना, आईजीएसटी लिखो और मतलब आईजीएसटी रेट, और यहाँ पे वैसे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज रेट इज कांस्टेंट का, ठीक है, मत लिखो, जगह नहीं होगी, जगह होगी तो लिख देना, जगह नहीं होगी तो मत लिखो। आईजीएसटी रेट अगर जगह है तो लिख देना, वहां पे 18% लिखा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एमआरपी, यहाँ पे आ जाएगा 1800, ये हो जाएगा 5200, 31,393, ये हो जाएगा 93,75 × 2,350, 3500, ठीक है। और अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फर्स्ट वाले में तो आई गेस कोई डिस्काउंट ही नहीं है, तो डिस्काउंट नहीं है तो वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। थर्ड में भी कोई डिस्काउंट नहीं है तो वैल्यू विल रिमेन सेम, ओके, करेक्ट वी आर। और सेकंड में देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड फोर्थ में भी देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। एंड देन 18% के हिसाब से आईजीएसटी भी कैलकुलेट करो। चलो डू दिस, कंप्लीट द सम, और ये होने के बाद यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना टोटल, और यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड करना टोटल। टेल मी द वैल्यूज, ये और ये, ठीक है, और ये भी होने के बाद यू विल फाइंड द अमाउंट, अमाउंट विल बी दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। सो दैट डैश मींस मतलब उस पे कोई डिस्काउंट नहीं है कि हम लोग को डिस्काउंट ढूंढना है? नहीं नहीं नहीं, डिस्काउंट ही नहीं है, नो डिस्काउंट, ओके सर। Chalo, solve this. I'll give you 2 minutes. Complete the sum. Do it on your own. Do the calculations on the rough alongside the sum.
I hope all of you got the answer. Enough time. The answers likh deta hu. Check kar lo yahan pe values. So the discounted value of the last one should be 2,800. 2,800. Pakka. 3,500 ka 20% discount means I will find 80%. So 00 cancel. 35 into 8. 85 is a 44. This is a 24. 25, 26. Wait a minute, how much is the discount here? अच्छा डिस्काउंट की वैल्यू मैंने गलत लिख दी है आई एम सॉरी जिसने कॉपी कर लिया होगा यहां से दिस वैल्यू इज 30% दिस वैल्यू इज 30% सॉरी फॉर दैट 30% से करोगे तो यू विल गेट दिस इसलिए शायद किसी ने सही करके मुझे भेजा आई हैड रिटन 20% बट इट्स 30% टोटल भी फाइंड कर लो टेल मी द टोटल This should be the answer. Done? Done, all of you. If yes, then we can start with the next. So now the question number 9, question number 10, question number 11 are all the sums based on table. But question number 9 mein kya diya hai? A national trading company, Merit UP. Made a supply of following goods to Samarth traders, Noida, UP. Means question number 9 में बोला है कि UP से कोई चीज UP में ही कहीं पे transfer हुई है. Means this is within a state. Correct? मतलब ये हो गया intra-state. So ये हो गया intra-state. Ninth question. और अगर intra-state है तो CGST और SGST दोनों आएगा. ठीक है? I want you to do all three sums for homework. आज ही. आज ही आप इसे लेक्चर के बाद होमवर्क के लिए सॉल्व करो बस खाली अभी क्वेश्चन के बाजू में लिख दो क्वेश्चन नंबर 9 के पास लिख दो इट इज इंट्रास्टेट क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ना यूपी में ही किसी एक जन के पास से दूसरे के पास जा रहा है सो इट इज
intrastate. Tell me about question number 10. क्या ये intrastate है या interstate है? क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली से यूपी जा रहा है आगरा, दिल्ली से आगरा जा रहा है, तो दिस इज इंटर स्टेट. ठीक है, इंटर स्टेट है और इसलिए सिर्फ आईजीएसटी आएगा यहाँ पे. यू कैन राइट इट बिसाइड द क्वेश्चन सो यू रिमेम्बर. ठीक है, बाकी सब चीजें सेम ही है, सी वही कैलकुलेशन है, वही डिस्काउंट है, सेम चीज बनानी. क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या दिया है? See, 11th one, they have not mentioned here. कोई स्टेट वेट का नाम नहीं लिया है, कुछ नहीं बोला है, बट लास्ट में अगर आप लास्ट कॉलम देखो तो वहां पे लिखा है जीएसटी. ठीक है, तो वहां पे लिखा है जीएसटी, तो यू हैव टू कंसीडर इट एज इंटर स्टेट ओनली, जहाँ पे आप पूरा जीएसटी कैलकुलेट करो. ठीक है, जीएसटी आईजीएसटी एक ही होता है. इनवॉइस का मतलब होता है बिल. ठीक है, ये तीन हो गया. कैन वी स्टार्ट विद द 12th सम? फ्रॉम हियर वी विल डू ऑल फोर सम्स, 12, 13, 14, 15. रेडी ऑल ऑफ यू? Is this thickness okay? और आप लोगों को just I don't know how it looks on the screen. या जो मैं इसके पहले ये thickness होती थी, that is fine. One or two. Okay. One, सब one ही बोल रहे. Both are fine. ये सबसे best answer है. For some time, I'll use the thick one for a change. Question number 12. The tax invoice of a telecom service in Meerut shows cost of services provided by it as 750 rupees. So, cost of services kitna hai? Cost of services is 750 rupees. Okay. If the rate of GST, GST rate is 18%. Okay. Find the amount of bill. It's a very simple question. Amount of bill. Amount of bill kaise hoga? 750 plus GST. Okay.
So 750 plus 18% of 750. Find this. Sir, वो invoice word ignore मानने. हाँ invoice, tax invoice. हाँ invoice. हाँ नहीं देखिए tax invoice क्या होता है? Tax invoice का मतलब है कि जब जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी अपने रिटर्न्स फाइल करती है, ठीक है, तो वो उन्होंने जितना भी सर्विसेज चार्ज किए हैं, उसका कितना पैसा लिया है, फिर उसमें कितना जीएसटी आया है, वो सारा इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट पे होता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज इनवॉइस. ओके, तो हम उस इनवॉइस को पढ़ रहे हैं, ठीक है. हम जैसे कि आपको समझो, एक आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एक बिल मिलता है लास्ट में लंबा सा ऐसा, उस पर आपने क्या क्या खाया, उस पर कितना कितना टैक्स लगा, फिर कितना सर्विस चार्ज लगा, फिर क्या लगा, वो सब आपको मिलता है, दैट इज द इनवॉइस यू गेट. ओके, इनफैक्ट अगर आप मैकडॉनल्ड्स में समझो, अगर आप खाने गए तो मैकडॉनल्ड्स के जो आपको रिसीट मिलती है उस पर शायद ऊपर इनवॉइस ही लिखा होता है, मुझे याद नहीं है, बट आप नेक्स्ट टाइम ध्यान देना इस चीज का. This is 750 plus 75 into 80. Point आ जाएगा. So you will get 135. ये पॉइंट जिसने डाला होगा उनका आंसर गलत आया है, किसी को फोर डिजिट आंसर आया है. ठीक, यहाँ पे 100 है, ये एक ही जीरो कैंसिल होगा 75 के साथ. Next, question number 30. Here's Pariksha. सर, हम लोग को स्कूल में बोला है कि इधर सिंस इट इज इंट्रास्टेट, हम लोग को ये मेंशन करना है कि सिंस इट इज इंट्रास्टेट तो जीएसटी विल बी डिवाइडेड इनटू एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, और फिर वो दोनों फाइंड करने के बाद अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू 750 प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी. दैट वुड बी बेटर आई थिंक. यस, ओके, सो अदर्स आल्सो एक्चुअली दैट इज वी शुड डू दैट. That is good because see यहाँ पे क्या हो रहा है, tax inverse of a cert in merit, तो merit में ही काम हो रहा है, ठीक है, within the state. So अगर ये within the state हो रहा है तो this is intrastate, और intrastate है तो दोनों GST आएगा, ठीक है, so that is correct. So यहाँ पे थोड़ा सा आप cancellations कर लो, better to do that, कोई अगर point out कर लेगा mistake, answer will be same. But still, so right here, CGST, rate is how much? 18%. So 9% of 750, calculate this. Then you write SGST, 9% of 750, okay? And then you write amount. Amount is 750 plus SGST plus CGST. See how much you get here. 135 per half I got. 67.5 I got.
write it like this, that is better, and then your answer will be 88.885. This will be your answer. Question number 13, next. Mr. Pankaj took a health insurance for his family and paid rupees 900 as SGST. So he paid SGST as rupees 900. Okay. Find the total annual premium, including GST, paid by him for the policy, rate of GST being 18%. So 18% GST ka rate hai. Okay. And okay. Aur usne 9% SGST pay kiya. Okay. So see, here hume uske total annual premium find karna hai. Sabse pehle to premium kya hota hai? See, aap agar koi health insurance lete ho, so there is, samjho aapne 5 lakh ka health insurance liya. ठीक है, तो आपको एवरी ईयर कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है उस कंपनी को एवरी ईयर. ठीक है, फिर अगर आप कहीं बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उसका बिल अगर विद इन 5 लाख है तो दे विल रिटर्न यू. ओके, तो आपको उसके लिए प्रीमियम चार्जेस पे करना पड़ता है. प्रीमियम मीन्स चार्जेस. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रेट ऑफ जीएसटी 18% है. अगर जीएसटी का रेट 18% है तो एसजीएसटी का रेट कितना होगा? Rate of SGST will be 9%. ठीक है? Now we don't know the value of the premium. Okay, जो premium उसे pay करना है, जिसके ऊपर tax लगने वाला है, वो value मुझे नहीं पता है. ठीक है? I don't know that value. I have to find that value. So let that value be X. Okay? So let value of the premium ही पूछा है ना उन्होंने. प्रीमियम बी एक्स. ठीक है, प्रीमियम को मैंने एक्स लिया. अब एसजीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है? हाउ टू कैलकुलेट एसजीएसटी? 9% ऑफ दिस प्रीमियम, ऐसे ही करते हो ना, जो प्रीमियम होता है उसमें 9% करोगे तो आपको एसजीएसटी मिलेगा. करेक्ट. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो एसजीएसटी की जगह पे 900, 9x upon 100, cross multiply and tell the value of x. Correct, correct. Those who have sent me the answer, your value is correct. Now we have to find the total premium.
ये प्रीमियम मिल गया. नाउ वील फाइंड देयर सेट टू फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी. ओके सो यस परीक्षा एनी डाउट? यस सर. सो कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनुअल प्रीमियम अगेन? एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम मतलब कि टोटल कितना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने बताया यू आर यू हैव अ पॉलिसी ऑफ 5 लाख रुपीस. ओके सो एज पर द 5 लाख रुपीस पॉलिसी दे वांट यू टू पे 20,000. यहाँ पे 10,000 ही मिला है ना, दे वांट यू टू पे 10,000 एवरी ईयर. ओके ये आपको फिक्स पे करना ही है. ठीक है तो व्हेन यू विल पे दिस 10,000 प्लस इस पे जीएसटी भी ऐड होगा. ओके एंड दिस टोटल वैल्यू विच यू विल पे, लेट्स से योर वैल्यू विल बी सम 12,000, सो दैट इज द एनुअल प्रीमियम. ठीक है द चार्जेस विच यू आर पेइंग फॉर दिस पॉलिसी विच यू गेट आर कॉल्ड एज एनुअल प्रीमियम. ओके तो अभी टोटल एनुअल प्रीमियम क्या होगा? टोटल एनुअल प्रीमियम विल बी योर 10,000 प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. करेक्ट, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. सीजीएसटी आपको दिया तो नहीं है बट आपको पता है कि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है. अगर एसजीएसटी 900 है तो सीजीएसटी भी 900 ही होगा. ओके नाउ एज पर दिस यू विल गेट द आंसर. What will be the answer? Okay. सो हम लोगों जो एक्स 10,000 मिला था वो क्या है फिर? वो प्रीमियम है, मतलब जैसे वो मार्क प्राइस है, एमआरपी. ओके और ये टोटल एमआरपी? ये विद टैक्स. ओके सर. सी जस्ट मैं गो थ्रू करवाता हूँ वापस. उन्होंने हमें एसजीएसटी दिया था क्वेश्चन में 900. ठीक है और उन्होंने पूछा था अब एस जी एस टी सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज का, जैसे अगर आप ईएमआई भरते हो, ठीक है ईएमआई जाने दो, जैसे कोई भी चीज आप खरीदते हो, जैसे दिस इज ऑल्सो यू आर बाइंग समथिंग, यू आर बाइंग अ पॉलिसी. सो इफ यू आर बाइंग अ पॉलिसी यू हैव टू पे सम मनी. ओके सो दैट मनी इज कॉल्ड एज द प्रीमियम जो आप पे करते हो इस पॉलिसी को बाय करने के लिए. ठीक है और जो प्रीमियम आप पे करोगे तो उस प्रीमियम के ऊपर आपको जी एस टी भी पे करना पड़ता है. ठीक है ये प्रीमियम समझो प्राइस हो गए, जैसे कि शूज की प्राइस है वो है ये प्रीमियम समझो. ओके और उसके ऊपर आपने 9% टैक्स पे किया, दैट इज एसजीएसटी. एसजीएसटी कैसे निकालते थे? 9% ऑफ द गुड्स विच यू आर परचेजिंग. ठीक है और उसके बेसिस पे आपको एक्स मिल गया, मतलब उसकी प्राइस मिल गई. ठीक है फिर उस प्राइस में आपने जीएसटी को ऐड किया तो आपको टोटल एनुअल प्रीमियम मिल गया. सर तो कभी ऐसा हो सकता है कि समझो दो स्टेट के बीच में इंट्रा स्टेट हुआ हो, सपोजिंग दो स्टेट के बीच में इंटर स्टेट होगा ना, इंट्रा दो सिटीज के अंदर एक ही स्टेट के अंदर इंट्रा स्टेट हुआ हो, एग्जांपल मुंबई पुणे, फिर कोई और दो स्टेट के अंदर पुणे से किधर और ही एक्सपोर्ट हुआ हो, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ होता है, ऐसा सम नहीं आएगा आपको बट होता सब कुछ है. होगा ही ना बिकॉज हाँ हाँ होता तो सब कुछ है बट ऐसा सम नहीं आएगा आपको. अच्छा ओके ठीक है होता तो बहुत कुछ है, यहाँ बनेगा फिर यहाँ जाएगा फिर वहाँ एक्सपोर्ट होगा फिर इम्पोर्ट होगा, सब बहुत ट्रेड तो बहुत होता है यहाँ वहाँ से हर जगह से होता है. और उनका उन्होंने सब प्रोसेस सेट करके रखा है कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, उस हिसाब से दे फॉलो द रूल्स. क्वेश्चन नंबर 14.
Mr. Malik went on a tour to Goa. He took a room in a hotel for 2 days at a rate of 5,000 rupees per day. So, jo room ka rate hai, that is 5,000 rupees per day. On the same day, his friend John also joined him. The hotel provided an extra bed charging 1,000 rupees per day for a bed. So, bed ka charges kya hai? 1,000 rupees per day. Okay, this is the charge. These are the charges of the room, and these are the charges of the extra bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days? Okay, so be for both the days means he is staying for 2 days. Okay, so सबसे पहली बात तो 5,000 रुपीज रूम के चार्जेस है एंड हाँ इट इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करेक्ट एक ही स्टेट में दिया है गोवा में हुआ है गोवा के होटल में हुआ है तो इट इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ओके 5,000 रुपीज चार्जेस है रूम के एंड 1,000 रुपीज बेड के सो पर डे ही इज पेइंग 6,000 रुपीज ओके सो द चार्जेस फॉर टू डेज टोटल चार्जेस फॉर टू डेज विल बी हाउ मच 6,000 into 2. That is 12,000. Sir, I had a doubt. How is this an intrastate transaction? The person who came is from another another state, right? हाँ, see, person कहाँ से आया उससे matter नहीं करता. उसने जो services खरीदी है, ठीक है, वो उसको उसी state में मिली है. So it is counted in that same state. Services. This is about a service. See, GST ka full form kya hai? GST stands for goods and services tax. ठीक है? आप जो service खरीदते हो, उसका भी आप पैसा भरते हो. और आप जो goods खरीदोगे, तो उसका भी आप पैसा भरोगे. ठीक है? Now, service means what? Like for example, you go in a saloon. ठीक है? And you have a haircut. You are not buying any goods from there. ठीक है? But you are taking a service from there. उनका सर्विस लिया आपने सो इसलिए यू विल पे दैट ठीक है तो वो अभी ऐसा मैटर नहीं करेगा कि आप सलून में आए कहाँ से आप इंडिया से आए हो या दिल्ली से आए हो या नहीं आप वहाँ पे थे आप वहाँ पे आए आपने सर्विस वहीं पे ली ठीक है आप किसी दूसरे स्टेट में उसको लेके नहीं गए या वहाँ से सर्विस वहाँ पे ट्रैवल कुछ भी नहीं हुआ वहीं का वहीं सर्विस हुआ है तो इट इज इंटरेस्टिंग Sir, but if we buy a good in a state and take it to another state, then still it is not interstate. Because you have bought it in that state only, na? ठीक है? जो आपका bill होता है ना, it depends on that everything. ठीक है? Because see, government is not going to trace everybody and run behind them that वो लोग कहाँ से लेके कहाँ जा रहे हैं. No. जो bill देखते हैं सीधा कि ये manufacture कहाँ हुआ था और ये deliver कहाँ हुआ है. They see that. Based on that, they consider interstate or interstate. Okay, sir. Thank you. So we are getting 12,000, ठीक है? अब ये intrastate है, तो हमें CGST और SGST निकालना पड़ेगा, ठीक है? और rate of GST क्या है? 28% है. So 14% of 12,000 and 14% of 12,000. दो बार करके दिखाना है. So 1680, 1680. So the amount of bill कितना होगा? 12,000 plus CGST plus SGST. देख लो क्या आंसर आता है आपको. ठीक है? सर वो बेड चार्जेस इंक्लूडेड है 5,000 नहीं नहीं अलग से है ना 5,000 की रूम थी और 1,000 रुपीस बेड चार्जेस तो 6,000 हुआ एक दिन का हाँ सर और वो दो दिन रुका तो 6,000 into 2 12,000 into 2 अच्छा
So we just have to find GST, which is 3360. Don't have to find amount. अच्छा उन्होंने amount नहीं बोला? No sir. हाँ 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 then this is not required. इसकी जरूरत नहीं है. Only GST is required. And हाँ mind it in exam हाँ if it is not asked and if you are finding it, they have every right to deduct your marks. Remember this. अगर exam में सिर्फ GST ही find करने बोला है ठीक है इसमें फाइनल जीएसटी आपको लिखना है ऐसे जीएसटी विल बी 3360 टोटल जीएसटी ठीक है अगर आपको जीएसटी पूछा है एंड आपने अमाउंट ऑफ बिल भी फाइंड कर लिया तो इफ द टीचर फील्स दैट व्हाई इज इट डन नॉट नेसेसरी तो शी मे डिडक्ट मार्क्स आल्सो ओके और नहीं भी कर सकते अगर टीचर अच्छी है बिकॉज इसकी जरूरत नहीं एक्स्ट्रा चीज लिखना कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यूज लिखना It is not advisable because जो check कर रहा है he has to see that extra things that is not required in the sum ठीक है जैसे अभी समझो आपको square का area पूछा है आप square का perimeter भी find कर लोगे और आप उसके diagonals के value भी find कर लोगे तो आपको ये मत समझना कि इसको ignore करेंगे आपको उसके marks deduct कर सकते हैं because पूछा ही नहीं है तो क्यों ढूंढ रहे हैं वैसा Done this sum. So we can go to the last sum of the exercise. So sir, is sum mein amount of bill likhna hai ki nahi likhna? Nahi, nahi likhna, nahi likhna. Nahi pucha hai na question. Question mein sirf GST pucha hai. Iska liye likh ke khatam karna hai question. Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for rupees 80. ठीक है? उसे 80 रुपीस की टिकट परचेज करनी थी. As the ticket for rupees 80 was not available, he purchased a ticket for rupees 120 of upper class. So, मतलब समझो दो टाइप के टिकट्स हो गए. एक नॉर्मल टिकट होगी. क्या कहते हैं उसे? कुछ नॉर्मल टिकट को कुछ कहते हैं. Executive कहते हैं शायद, है ना? खरीदनी थी बट टिकट अवेलेबल ही नहीं थी तो उसे 120 की एक्सपेंसिव वाली बालकनी की टिकट लेनी पड़ी ठीक है हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट ऐसा हमें पूछा है हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट और ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन क्या दिया है द जीएसटी फॉर टिकट बिलो 100 रुपीस इज 18% 100 रुपीस से कम के टिकट्स पे जीएसटी कितना लगता है 18% बट 100 रुपीस से ज्यादा के टिकट पे जीएसटी कितना लगता है 28% ओके तो आपको वैल्यू ढूंढनी है आपको कितने ढूंढनी है वैल्यू ढूंढनी है तो आप पहले यहाँ पे जीएसटी की वैल्यू फाइंड करो और यहाँ पे जीएसटी की वैल्यू फाइंड करो दोनों जगह पे ठीक है और देन उस दोनों वैल्यू का आपको डिफरेंस लेना है कि अगर उसने 80 रुपीस की टिकट ली होती तो वो कितना टैक्स भरता ओके सो आप यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी फॉर रुपीस 80 टिकट कितना जीएसटी होता 18% ऑफ 80 जरूरत नहीं है ज्यादा यहाँ पे करने की बिकॉज स्टेट्स नथिंग इज इन्वॉल्व दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ अ सम ओके सर इट्स ओके इफ यू डोंट डू इट इसका आंसर क्या आ रहा है 144 और नीचे 10 है तो 14.4 आएगा ठीक है एंड देन जीएसटी फॉर रुपीज 120 टिकट सो जो 120 वाली टिकट उसने एक्चुअली बाय की उसमें उसने कितना जीएसटी पे किया है 28% ऑफ 120 टेल मी दिस वैल्यू
33.6 आ रहा है स्टूडेंट्स को. करेक्ट वी आर. Difference in GST is rupees 19.2. Okay. So with this, we complete the first exercise of GST. There are total two exercises. In the next class, we will complete the next exercise also. Okay.